हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। माय नेम इज़ नवीन यादव और आज है 1 दिसंबर। चलिए, नया महीना है, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, चलिए पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, 2018 का इंटरनेशनल डे था जो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, तो इसका जो है थीम क्या थी, राइट? तो इसका आंसर है ऑरेंज द वर्ल्ड हियर मी टू। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैड डिजाइंड एंड डेवलप्ड पैसा पैसा पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन टू बेनिफिशरीज अंडर DAYNULM स्कीम। ठीक है, तो आंसर है इलाहाबाद बैंक। कल भी मैंने बताया था DAY और NULM क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ऐसे रूरल अर्बन जो है, रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है, तो ये पढ़ लीजिए आप क्या मिशन है, कि क्या इसमें बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपके लिए, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड 200 मिलियन डॉलर लोन पैक्ट विद विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिहार स्टेट हाईवे थर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बिहार स्टेट हाईवे का जो प्रोजेक्ट है थर्ड, इसके लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन दे रही है 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो आंसर है इसका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन सेलेक्टेड बाय UN फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी 2025। ठीक है, कौन सी सिटी सेलेक्ट हुई, आंसर है इसका नोएडा। चलिए, आज के आपके चार क्वेश्चन है। सबसे पहला है कच्छ स्टेट के बारे में। देखिए, मैं जब एडिटोरियल डिस्कस कर रहा था, मैं आपको बता रहा था, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये जो है न्यूज़ में है, रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है। ये कह रहे हैं कच्छ स्टेट विच इज़ इन द न्यूज़ करंटली कनेक्ट द सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कौन सी सी से कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी से, कैस्पियन सी से, रेड सी से या ब्लैक सी से। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्टनर कंट्री एट द 2018 इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। इंटरनेशनल जो गीता फेस्टिवल हो रहा है, उसमें इंडिया के साथ कौन पार्टनर है, कौन सी कंट्री, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशियस या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डाटा सिटी टू फोस्टर इनोवेशन एंड सोल्व ग्लोबल चैलेंज। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, डेटा सिटी। ये इसका काम क्या होगा, इनोवेशन वगैरह की जाएगी ताकि जो ग्लोबल चैलेंजेस है उनको सोल्व किया जाए। ठीक है, तो आंसर बताना आपको कर्नाटक, उड़ीसा, केरला और हिमाचल प्रदेश में से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस 2018। पहली ये जो है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस हो रही है 2018, तो ये जो है कहाँ पे हो रही है, ब्रिसिलिया, केपटाउन, न्यू दिल्ली या नैरोबी। ये आपको आंसर बताना है इसका। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमी, यानी कि समझ लीजिए ब्लू इकोनॉमी, यानी कि पानी से रिलेटेड है, चाहे वो फिशिंग हो, ठीक है, या फिर मिनरल एक्सट्रैक्शन हो, तो ये सब जो है ब्लू इकोनॉमी में आता है, तो ये भी पढ़ लीजिए आपको अगर नहीं पता है ब्लू इकोनॉमी क्या है। चलिए देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। आज चारों आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, डेथ पेनल्टी से रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट जो होती है उसके बारे में क्या क्या विचार है अलग अलग लोगों के या अलग अलग जजेस के। उसके अलावा ये हम पढ़ेंगे वेज वेज से रिगार्डिंग है, कि कैसे जो है वेज ग्रोथ रेट है वो कम होती जा रही है। नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी भी, ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट वाली, वो कैसे चेंज हो रही है, यानी कि पहले क्या पॉलिसी थी, अभी क्या है, और क्या इसके बेनिफिट मिल रहे हैं इंडिया को, ये हम पढ़ेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन कैसे स्ट्रांग होने के चांसेस लग रहे हैं, और क्या रीजन है जिससे स्ट्रांग होंगे, और क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया है यूरोपियन यूनियन से जिससे ये जो है रिलेशन हमारे स्ट्रांग हो सकते हैं। इसके अलावा एक ये पूरा डिस्ट्रक्शन जो अभी तमिलनाडु के अंदर हुई और वो सब बताने की कोशिश की है, गाजा जो साइक्लोन आया था उससे रिगार्डिंग, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा माइनर डिटेल्स होती है। सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ग्राउंड जीरो हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है कि जो कैपिटल पनिशमेंट होगी, यानी कि जो फांसी की सजा दी जाती है, वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। यानी कि कोई ऐसा केस जो लगे कि हाँ ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यानी कि सोसाइटी में इस तरह की ये बहुत घिनौना है, हीनियस क्राइम है ये, तो उस केस में जो है कैपिटल पनिशमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन वो केस देखना पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर देखिए काफी विवाद उठते हैं, काफी बार
लगता है कि देखिए मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं देनी चाहिए, काफ़ी बार ऐसे हीनियस क्राइम हो जाते हैं, बहुत यानी कि घिनौने क्राइम हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, तो लोग भी डिमांड करने लगते हैं, मीडिया भी डिमांड करने लगती है। तो इस तरह के इशू के ऊपर ही ये पूरा आर्टिकल आया कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं देखिए इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन उठ के आता है कि जो है कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसकी मेरिट को जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि ये टाइम है डिबेट करने की ज़रूरत है कि डेथ पेनल्टी को जो रिटेन करना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं जो जस्टिस कुरियन जोसेफ है उन्होंने ये दोबारा एक तरह से डिबेट शुरू कर दिया है, पहले भी डिबेट होता रहा है लेकिन अभी दोबारा से स्टार्ट हुआ है, और ये हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हमें डेथ पेनल्टी को गवर्नमेंट को रिटेन करना चाहिए या फिर उसको नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि देखिए इनके जो व्यू है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं बच्चन सिंह केस जो हुआ था 1980s में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ डेथ पेनल्टी देनी चाहिए यानी कि फांसी की सजा देनी चाहिए, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। और क्या गाइडलाइन थी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है इस चीज़ को दिया जाएगा डेथ पेनल्टी, किसी को मौत की सजा जो है दी जाएगी। किस केस में? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि एक तो रेयर केस है और वो रेयरेस्ट भी है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम केस में कि जब लगे कि कोई और सजा से जो है काम चलेगा ही नहीं, फांसी की ही सजा जो है मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये बताते हैं कि दो और जजेस थे जो केस चल रहा था, जिसमें जोसेफ जी ने तो ये बात बोली बच्चन सिंह के जो रिव्यूज थे उसके ऊपर, लेकिन तो और दो जजेस थे बेंच के, तो उन्होंने क्या है अलग व्यू लिया। उन्होंने कहा कि देखिए टाइम आ गया है डेथ पेनल्टी को रिव्यू करने की जरूरत है, इसके पर्पज को और प्रैक्टिस को रिव्यू करने की जरूरत है, ये जो बच्चन सिंह केस में जो बोला गया था उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि देखिए ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप एथिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशन को भूल जाए, ठीक है, ये डिबेट जो भी पूरे वर्ल्ड में चलता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें जो प्रैक्टिकल और एथिकल डायमेंशन है उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जो उठता है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट की सजा जो है वो देनी चाहिए या फिर उसको अबोलिश कर देना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं देखिए अलग अलग व्यूज है, काफी बार ऐसा हो जाता है कि मीडिया या पब्लिक के प्रेशर में जो है जजेस को सोचना पड़ता है कि इस तरह का ये हीनियस क्राइम है तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। काफी बार जजेस सेंट्रिक वेरिएशन भी होता है, यानी कि एक जज बोलता है कि नहीं देनी है, दूसरा जज बोलता है देनी है, तो देखिए जजेस में ही कंफ्यूजन है अभी, यानी कि जजेस में कंफ्यूजन, तो कहीं ना कहीं जो वो इस तरह की जो पनिशमेंट है इस पर भी डिबेट करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि देखिए कोर्ट ने भी ऐसा माना है कि बहुत बार जो है अनइवन एप्लीकेशन होती है, यानी कि नॉर्म्स जो लेड डाउन किए गए हैं, यानी कि जो प्रैक्टिसेज हैं कि किस केस में जो सजा देंगे कैपिटल पनिशमेंट की मौत की सजा, वो भी जो है क्लियर नहीं है, अनइवन एप्लीकेशन होती है, बहुत बार जो है एक ही केस में वैसे ही केस में सजा दे दी जाती है फांसी की, दूसरा वैसे ही केस में नहीं भी दी जाती, तो ये कह रहे कि बहुत मुश्किल काम है इस तरह जो है डिसाइड करना कि किस केस में फांसी की सजा होनी चाहिए। सॉरी, इसके अलावा देखिए लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 2015 में, सॉरी उस हाँ सॉरी 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसने भी यही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन होनी चाहिए कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, और ये कह रहे हैं ये खत्म हो गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए डेथ पेनल्टी जो दी जाती है उसके ऊपर, क्योंकि डेथ पेनल्टी काफी बार जो है आर्बिट्री या फ्रीकिशली इम्पोज की जाती है, यानी कि जो है क्लियर जो है नॉर्म्स लेड डाउन नहीं किए गए, इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जहां फांसी की सजा नहीं भी दी जा सकती थी वहां भी दी जाती है। तो इसके लिए जो है कह रहे कि संविधान के अंदर ऐसी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट की जो ये गलत तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है इसको रोका जा सके, क्योंकि देखिए जजेस भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर देखते हैं या फिर मीडिया के अंदर दिखाया जाता है उससे जजेस जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिविजुअल केस की बात करें, राइट, कह रहे इंडिविजुअल केस की बात करें तो काफी बार ये कन्वेंशन ये कन्वर्सेशन होती है कि मैक्सिमम सेंटेंस कितनी होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी मिल सकती है एक इंसान को, ठीक है, काफी बार ये भी सोचने को, क्योंकि अगर डेथ पेनल्टी आप नहीं देंगे तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या देंगे। ये कह रहे हैं कि ये जो है ये पूरा इशू जो है रिवॉल्व करता है किस किस्म की क्राइम किस तरह का है, किस तरह की ग्रेविटी है क्राइम में, क्रुएलिटी कितनी है, यानी कि निर्दय तरीके से जो है मौत यानी कि मारा गया है या कुछ भी जो है पेनल्टी जो है
कितनी क्रुएलिटी है और कितनी फेटेलिटीज है, कितने लोगों को जो है उसका असर पड़ा है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सब चीज़ें भी जो है समझने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि रिसेंट टाइम में बात करें तो पब्लिक आउटरेज बहुत देखने को मिलता है, और तो इसको डिटरेंस भी करने की ज़रूरत है। जो देखिए फांसी की सज़ा से क्या माना जाता है कि जो है फांसी की सज़ा भी दे रहे तब भी क्राइम तो नहीं कम हो रहे, इसका मतलब फांसी की सज़ा से कोई नहीं, यानी कि डिटरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है सोसाइटी के अंदर, लोगों के बीच में एक डर होना चाहिए कि नहीं हम गलत करते हैं तो फांसी की सज़ा भी मिल सकती है, तो ऐसा तो डर है नहीं, क्राइम तो आज भी हो रहे हैं। तो क्या हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं है, राइट? ये कह रहे हैं काफ़ी बार थ्योरी जो है पनिशमेंट की थ्योरीज है वो कहाँ कहाँ पे जो है किस किस चीज़ को जो है सोचती है, प्यूनिटिव एक्शन दे, रेट्रीब्यूटिव एक्शन दे, रिफॉर्मेटिव, रिस्टोरेटिव, यानी कि काफ़ी बार ऐसा भी माना जाता है कि देखिए कैपिटल पनिशमेंट मत दीजिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इंसान को रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, या प्यूनिटिव एक्शन दीजिए, ऐसा कुछ किया जा सके कि वो दोबारा वो सब चीज़ ना करे। तो ये सब चीज़ों पर भी काफ़ी बार जो है पब्लिक इमेजिनेशन जो है जाती नहीं है, लेकिन जजेज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्राइम कितना ग्रेव है, हीनियस है, और उसके बाद जो है इन चीजों को सोचना पड़ेगा, चाहे कि पुनिटिव एक्शन ले, रिट्रीब्यूटिव एक्शन ले, रिफॉर्मेटिव एक्शन ले, या रिस्टोरेटिव एक्शन लिया जाए। ये कह रहे हैं देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहता है, इवन जजेस में जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक जजेस बोलेगा कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, दो बोलेंगे नहीं मिलनी चाहिए, जब जजेस में ही इतना आर्बिट्रेनेस है, यानी कि जजेस भी क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और चेंज करने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे रिजोल्व हो सकती है, सिर्फ डिबेट ही करना पड़ेगा हमें, एक प्रॉपर तरीके से मॉरल पोजिशन को भी समझना पड़ेगा, डेथ पेनल्टीज के लॉ को भी देखना पड़ेगा, उसके नेचर को, सरकमस्टांसिस को, और किस कॉन्सिक्वेंसेज में कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये जो ऑफेंस हुआ है इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ है। ये कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की केसेस में जो है कोशिश करता है कि मौत की सज़ा दी जाए या फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर भी ऑप्शन बहुत खुले हैं, पोस्ट अपील कर सकते हैं, पोस्ट अपील रिव्यू कर सकते हैं, क्यूरेटिव पटिशन भी डाली जा सकती है, इसके बाद जो है रिव्यू पटिशन जो है ओपन कोर्ट में सुनी जाती है, इसके बाद भी देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है डेथ पेनल्टी मिल जाती है और जो है उसको जो है गवर्नमेंट भी मना कर देती है कि डेथ पेनल्टी जो है मिलेगी मिलेगी, हम डिनाई नहीं कर सकते, उसके बाद भी कोर्ट में जाया जा सकता है, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि परसेप्शन में आज भी जो है काफ़ी जो है चेंजेस है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ जजेस कुछ बोलते हैं, तो क्या ये बोलते हैं कि क्या समय आ गया है अभी कि हमें जो है ये जो कैपिटल पनिशमेंट ये हटा ही देनी चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि चलो ये बात आप हटाते हैं नहीं हटाते हैं अलग बात है, लेकिन लॉ कमीशन और जो जस्टिस जोसेफ ने कहा है उनके जो व्यूज़ है उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, पूछा जा सकता है कहीं भी एसए के अंदर, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, उसके अंदर जो है काफ़ी जो है रिलीफ मिलने वाली बातें हैं, देखो क्योंकि जो कि कुछ कुछ कहते हैं रिलीफ मिलने की बातें हैं, लेकिन जो है रिलीफ जो है ये बड़ा रिलीफ नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ये नेगेटिव तरीके से भी दिखाता है। उसका रीज़न क्या है कि जो वेज की ग्रोथ है, ठीक है, यानी कि वेज यानी कि जितना जिसकी सैलरी बढ़नी चाहिए या जो भी वेज बढ़ना चाहिए वो ग्रोथ जो है स्लो होती जा रही है। सपोज कीजिए इस साल आप 100 रुपये कमा रहे थे, अगले साल आपको कमाने चाहिए 120 या 130, लेकिन आपकी कितना हो रहा है, आप 100 रुपये कमाए, अगले साल आप कमाएंगे 102, 103, तो ये वेज की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो है एडजस्ट करना और भी मुश्किल है और भी स्लो होती जा रही है। देखिए वेज ग्रोथ की, ग्लोबल वेज ग्रोथ की बात करें तो 2016 में 2.4 थी, यानी कि 100 रुपये थे तो किसी के 102.4 रुपये हो गए, लेकिन ये 17 में तो ये 1.8 हो गए, यानी कि और कम हो गई है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अगर बात करें लोएस्ट रेट है ये, अगर 2008 के बाद बात करें जब क्राइसिस आए थे उसके बाद, अभी जो ग्लोबल वेज ग्रोथ है वो अभी की सबसे कम है, यानी कि 8 के बाद, यानी कि 10 साल में अभी की सबसे कम वेज ग्रोथ हो रही है। कह रहे हैं चाइना को अगर हटा दे, क्योंकि वहां तो पॉपुलेशन भी खूब है, रैपिड वेज ग्रोथ भी खूब है, उसके अलावा जो है और जो सिनेरियो देखा जाएगा वर्ल्ड का तो बहुत यानी कि हालात ठीक नहीं है। ये कह रही है एडवांस G20 कंट्रीज की बात करें तो वो सिर्फ 0.4 है उनकी वेज ग्रोथ, US की बात करें तो सिर्फ 0.7 ग्रोथ है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो ग्रोथ ही जीरो हो गई है, यानी कि इस साल भी आप 100 रुपये कमा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी आप 100 ही रुपये कमा रहे हैं, यानी कि वेज ग्रोथ नहीं हो रही है।
इसके अलावा कुछ और डेटा देते हैं, एशिया पैसिफिक में कितना है, ग्लोबल और डेवलप्ड कंट्रीज का कितना है, ये सब बताते हैं। वो हमें डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखिए ऑब्वियस इम्पैक्ट है इसका, और रीज़न क्या है कि जो ग्लोबल ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। और ये कंजम्पशन डिमांड होनी चाहिए, यानी कंजम्पशन, लोगों को कंजम्पशन की डिमांड जो है बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ रही है। इस वजह से जो है वेज जो अर्नर है उनकी भी स्पेंडिंग जो है वो जो है कम हो रही है, और स्पेंडिंग कम हो रही है तो उनकी वेज ग्रोथ भी कम ही हो रही है। ये देखिए अगर बात करें तो ये कहते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने ये बात बोली कि वर्ल्ड में देखिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है, सुनने को आता है कि लेबर शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे तो ये बात समझ आएगी, आप सुनने में आएगी कि वेज जो है लेबर शॉर्टेज है। उसके बाद भी जो है वेज वेज की बात करें, उनका जो उनको सैलरी मिलती है वो भी कम मिल रही है, तो ये बहुत पजलिंग सिचुएशन है। देखिए अगर लेबर की शॉर्टेज होगी तो वेजेस ज़्यादा मिलना चाहिए ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि हर जगह देखने को मिलता है वेजेस शॉर्टेज है, लेकिन वेज सॉरी लेबर शॉर्टेज है, उसके बाद भी वेजेस में जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो है एक ये कह रहे हैं पजलिंग क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आता। इसके बाद देखिए ये जो आईएलओ है, इन्होंने ये भी बात बोली कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हायर इनकम जो कंट्री 2017 में अगर उनकी बात करें तो उनकी जो इकोनॉमी है वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होने के जगह वो किस पे है, प्राइवेट कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। यानी कि देखिए यानी कि सॉरी मैं उल्टा बता दिया आपको, ये कह रहे हैं कि जो जो हायर इकोनॉमिक कंट्री है जैसे यूरोप हो गया, G20 कंट्रीज में मोस्टली जो है, ये कह रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, और प्राइवेट कंजम्पशन नहीं होगा तो जो है वेज ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए और डेटा की अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि रिवील्स दैट द डेटा ऑलमोस्ट ट्रिपल इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपेरिजन करें तो कहीं जगह पर जो है 1999 से 2017 तक, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री या इमर्जिंग कंट्रीज में जो है वेज रेट जो है वो ट्रिपल हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आज 100 रुपये मिलता था तो आप 1999 में तो अभी आपको 300 रुपये मिल रहा है, यानी कि ट्रिपल हो गया है। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमी है, ठीक है, एडवांस इकोनॉमी में जो है ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 9% के आसपास है, यानी कि बहुत कम ग्रोथ है क्योंकि जो है उनका ऑलरेडी स्टेगनेंट हो चुकी हैं चीज़ें। ये कह रहे हैं कि देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है आज के टाइम में, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वर्कर्स की जो पावर है उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी है, लेबर प्रोडक्टिविटी है उनमें बहुत जो है कमी देखने को मिल रही है। और ये कह रहे हैं वीकनिंग शेयर ऑफ लेबर कंपनसेशन, लेबर कंपनसेशन भी इतना नहीं मिल रहा है GDP के अकॉर्डिंग जितना मिलना चाहिए, जो पहले 1990s में मिलता था। अभी फाइनल बोलते हैं कि देखिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है, यानी कि हमारी जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो आज काफ़ी अच्छी है, उसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। सिर्फ हमें उन्हें जॉब नहीं देनी पड़ेगी, जॉब के साथ साथ उनका वेज एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा जो रोबेस्ट और इक्विटेबल हो, यानी कि उनकी जो है सैलरी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये पूरा इस आर्टिकल में बताते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखिए इसके अंदर क्या बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मालदीव गए नवंबर के अंदर, ठीक है, और जो है स्वीयरिंग इन सेरेमनी थी इनकी इब्राहिम मोहम्मद सोले, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो है सेरेमनी थी वहाँ पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। और इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि हम जो है नेबर कंट्रीज जो हमारी है हम उसको बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं इसके अलावा मालदीव्स के अंदर भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया, ठीक है, पहले एक बार जो है कैंसिल हो गया था फिर दोबारा ही गए वहाँ पे। उसके अलावा ये कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे सेरेमनी थी तो सारे सार्क कंट्रीज को बुलाया, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारे सार्क कंट्रीज को जो स्वीयरिंग सेरेमनी के अंदर बुलाया 2014 के अंदर, तो इससे पता चलता है कि हमारी नेबरहुड पॉलिसी जो है वो इंक्रीज हो रही थी, जो हम चाह रहे थे कि जो हमारे नेबरहुड पॉलिसी है वो सॉफ्टर रहे, नए तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे आसपास के कंट्रीज है उनको जो है हम लुभाएं और लुभाने के साथ साथ उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी 2018 साल की बात करें तो कुछ पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिले हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है आसपास के कंट्रीज को जो जो रिलेशंस थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा अलग तरीके से सिनेरियो से जो है चेंज करने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि 2018 में तो मेजर जो हमारा कोशिश रही या फिर मीडिया में जो चीज हाईलाइट हुई कि जो है रशिया और चाइना के साथ जो हमारी मीटिंग हुई उस पर ही ज्यादा फोकस रहा, जैसे वुहान समिट आपको पता है इनफॉर्मल समिट हुई थी चाइना के अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, उसके बाद सोची रिट्रीट जो रशिया के जो प्रेजिडेंट है पुतिन जी उनके साथ जो है ये मीटिंग हुई और काफी इंपॉर्टेंस इस पर दिखाई गई और दिखाया गया कि कैसे जो है इमिडिएट नेबर्स के साथ भी हम
चाइना के अलावा रशिया के साथ भी कैसे हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप बात करें तो हमारी जो पॉलिसीज में क्या चेंज आया है। ठीक है, पहले हमारी पॉलिसीज कुछ और होती थी, यानी कि हम इंटरफेरेंस भी करते थे दूसरी कंट्रीज में, जो आसपास की कंट्रीज है उनकी जो पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, उनमें हम कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करते थे, जैसे यूएस करता है। तो हम इतना नहीं, पर हम थोड़ा बहुत करते थे, उसका जो है कॉन्सिक्वेंसिस हमें बहुत देखने को मिला। ये कहते थे कि 2015 में आपको पता है कि नेपाल के अंदर जो है इलेक्शन होने वाले थे और इंडिया जो है मधेसी कम्युनिटी को फेवर कर रही थी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो है वहां पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया और उसका जो है पूरा, ये मैंने काफी समझाया हुआ आपको, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो लगा था इसका जो पूरा जो श्रेय दिया गया इंडियन गवर्नमेंट को दिया, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है चाहती नहीं है तेल या फिर खाने का राशन जो है नेपाल के अंदर जाए, और इसका जो है फायदा उठा लिया वहां की गवर्नमेंट ने इंडिया के अगेंस्ट बोल बोल के, और जो है इलेक्शन जीत गए। ये कह रहे हैं कि देखिए अब की बात करें तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, पॉलिसी में चेंज हुआ है, अब इंडिया जो है ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता। और उसके बाद जो है इंडिया ने जैसे ही नए वहां के प्राइम मिनिस्टर चुने गए, केपी ओली जो है जैसे ही पावर में आए, तो उनको जो है रीइलेक्ट होते ही इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने भी एंटी इंडिया कैंपेन छोड़ दिया, और गवर्नमेंट ने भी जो है एकदम, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज वहां काठमांडू गई, उन्होंने उनको जो अनकन्वेंशनल मूव था ये, वहां जाके जो है उनके साथ बात की और जो है रिलेशन इंप्रूव करने की बात करी गई। उसके बाद मिस्टर ओली भी इंडिया के अंदर आए, उन्होंने दो विजिट की, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले, और अभी भी और रिसेंट दिसंबर में आने वाले हैं। ठीक है, विवाह पंचमी करके फेस्टिवल है, उस टाइम भी इंडिया के अंदर आने वाले हैं। यानी कि पॉलिसी इंडिया ने क्या किया कि ज्यादा इंटरफेरेंस जो होती थी पहले उसको बंद कर दिया, अभी जो है छोड़ देते हैं, कोई भी कंट्री जो है जैसे भी उसके साथ इवोल्यूशन हो रही है, जो भी पावर में है जैसे भी है, सबके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, चाइना की इंटरफेरेंस का लॉस यानी कि चाइना को कैसे हो रहा है, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। मालदीव्स का ये कहते हैं, देखिए मालदीव्स के अंदर जो है इंडिया को काफी धमकियां मिली, क्योंकि देखिए हमारी जो रिएक्शन है काफी बार ऐसा माना गया कि हम इंटरफेरेंस करते हैं, और इसका ये हुआ कि हमारी जो हमें जो है एक तरह से मिलिट्री मिलिट्री के हिसाब से जो थ्रेटन किया गया कि आपके जो है आप यहाँ पे मालदीव्स के केसेस पता है कि वहां के जो हमारे जो हेलीकॉप्टर रहते हैं उनके जो है पायलट्स का वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया, और काफी केसेस हुए थे। लेकिन उसके बाद अभी इलेक्शन हुए मालदीव्स के अंदर और इंडिया ने कुछ नहीं बोला। देखिए इलेक्शन हुए और जो है इलेक्शन के बाद पूरा क्राइसिस आया, वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो हार गए, दोबारा जो है मोहम्मद नशीद आए। ठीक है, मोहम्मद नशीद जो है दोबारा पॉलिटिक्स में आए, जो कि जो है भाग गए थे, तो और जो पुराने जो उनके प्रेसिडेंट थे गयूम, उनको भी जो है जेल से निकाल गए। यानी कि पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो चला और इंडिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कहा कि जो है पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। अभी श्रीलंका के क्राइसिस आपने देखे, पूरा इंडिया ने जो है कुछ नहीं बोला। इंडिया ने बोला कि हम जो है सिचुएशन को देख रहे हैं और आने वाले टाइम पे अपने हिसाब से जो है पूरा उसका फायदा, यानी कि हम अपने हिसाब से चलेंगे। भूटान में देख लीजिए, भूटान में इलेक्शन कंप्लीट हुए, बांग्लादेश में अभी दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन जो इंडिया का जो जो सिनेरियो है, इंडिया ने जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी बिल्कुल बंद कर दी है, और जो है इंटरफेरेंस और प्रिफरेंस की जो पहले करती थी कि इस पार्टी को जो है प्रिफरेंस देना है, ऐसे इंटरफेयर करना है, वो सब जो है बंद कर दिया है। और एक साइड में नहीं, इंडिया जो है दोनों साइड में अभी चल रहा है। ठीक है, यानी कि किसी के साथ भी एंगेजमेंट करनी पड़ सकती है। ये कह जो हमारी पहले पॉलिसी थी, ठीक है, बिग ब्रदर टाइप पॉलिसी हमारी जो मानी थी, वो भी जो है हमने चेंज कर दी है। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट की बात करें तो जो आपको पता है अभी जो हम जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है पूरी अफगानिस्तान के द्वारा ही चलानी चाहिए, वहां का सॉल्यूशन भी अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा होना चाहिए। और देखिए हम हमेशा से जो है दो डिकेड से अगर बात करें, करीबन 20 साल से हम जो है तालिबान से कोई एंगेजमेंट नहीं चाहते, हम नहीं चाहते थे, इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान के साथ जो है कुछ भी एंगेजमेंट करा जाए इंडिया के द्वारा। लेकिन अभी देखिए आपको होता है मॉस्को के अंदर सबमिट हुआ, ठीक है, मॉस्को के अंदर समिट हुआ, तो इंडिया के जो है दो नॉन ऑफिशियल तरीके से भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जबकि जहां पे तालिबान भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी एक अलग बात है कि जो है सिचुएशन के हिसाब से इंडिया ने चेंज किया कि देखिए हाँ तालिबान के साथ आप एंगेज मत कीजिए, लेकिन अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो इंडिया को भी जो है इस तरह की जो समिट होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि देखिए शिफ्ट जो आया है ये बिल्कुल शिफ्ट जरूरी था, ये लाना ही था। और देखिए वैसे उसके बाद बोलते हैं कि गवर्नमेंट देखिए फिर भी हमारी यही चाहती है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ सोल्यूशन आए वो अफगान ओंड और अफगान लेड सॉल्यूशन हो, राइट। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि देखिए काफी बार ऐसा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है गनी साहब, उन्होंने भी यही बोला है कि इस्लामिक स्टेट और जो फॉरेन टेररिस्ट है
वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के अंदर, उसको अपोज करते हैं ये हमेशा, लेकिन ये बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। और इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं देखिए तालिबान से बात नहीं करेगी, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ चाहेगी कि वहाँ पे पीस प्रोसेस आए, चाहे तालिबान से ही गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बात करनी पड़े या कोई भी और कंट्री उसको फेवर करे। ये कहते हैं कि देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो उरी अटैक हुआ था 2016 के बाद, जो है कोई भी जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारा, उनकी यानी कि कोई भी बात नहीं हुई है पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान की अभी लेकिन नए प्राइम मिनिस्टर आए, उसको भी जो है बात नहीं की, लेकिन फिर भी जो है इंडिया ने दो अपने यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको भेजा, ठीक है, कि वहाँ की जो सेरेमनी हुई। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर की आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टांस है वो सॉफ्ट होता जा रहा है हमारा, इंडिया का नेबरहुड के ऊपर यानी कि नेबर कंट्रीज के ऊपर हमारा स्टांस सॉफ्ट हो रहा है। हम उनके ऊपर ज़्यादा यानी कि प्रेशर नहीं डाल रहे किसी भी चीज़ के लिए। ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक सिग्निफिकेंट जो है पूरा इशू है। अभी कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन हो रहे हैं 5 स्टेट के अंदर, फिर भी जहाँ पे बीजेपी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कहीं भी जो है पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के इशूज़ को नहीं उठा रहे हैं। क्यों? इससे भी पता चलता है कि हम थोड़ा सा जो हमारी पॉलिसीज में है कि कैसे चेंज देखने को मिला है। ये कह रहे हैं कि देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उन्होंने ये भी बात बोली स्पीच के अंदर, जैसे करतारपुर कॉरिडोर है ये उसी तरह है जैसे बर्लिन का वॉल गिराया गया था, ठीक है, यानी कि जो जो है बर्लिन का वॉल के कारण दो जो एक ही कंट्री में वॉल बना दिया गया, ठीक है, और दोनों जो कंट्री ये कंट्री है अलग अलग कर दी गई। तो बर्लिन का वॉल गिराया गया था, आपको बताओ 90s के आसपास। तो ये कह रहे हैं बर्लिन वॉर की तरह ही करतारपुर कॉरिडोर का पूरा पोटेंशियल है कि शायद हमारे भी रिलेशन अच्छे हो जाएं दोनों कंट्रीज के, ऐसा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए और कुछ क्वेश्चंस की बात करें हम, तो पहले जो हमारी जो पॉलिसीज होती थी कि हम एक बिग ब्रदर का रोल करते थे, वो अभी हमने छोड़ दिया है। और काफ़ी कुछ जो है कुछ भी इश्यूज होते हैं स्मॉलर कंट्रीज में, पहले जब हम इंटरफेरेंस करते थे चाहे नेपाल हो मालदीव्स हो, उन चीज़ों में जो है हमने पॉलिसीज में चेंज लेके आए हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, ये कहते हैं कि देखिए इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि जो है हमारी जो पॉलिसी थी, जो हम इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत जो भी करते थे, उसके कारण जो है इंडिया को जो है लॉस ही हो रहा था। एक जो एक पब्लिक आउटरेज ऐसी हो जाती उस कंट्री में, उनको लगता था इंडिया उनके अगेंस्ट काम कर रहा है और चाइना उनके फेवर में काम कर रहा है। तो अभी इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई है और चाइना की जो एंगेजमेंट कर रही है, आपको पता है श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मालदीव्स के अंदर, ठीक है, यहाँ की एंगेजमेंट से धीरे धीरे जो है कंट्रीज उनको समझ आने पर लगा है कि वो तो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, यानी कि पूरा कर्ज के दबाव में फंसते जा रहे हैं। और उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि चाइना के साथ जो है उनकी एंगेजमेंट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ये कहते हैं देखें इंडिया की अप्रोच में भी थोड़ा चेंज आया है, इनफॉर्मल अप्रोच जो है चेंज करने की कोशिश की है, इनफॉर्मल जो है फॉर्मल से ज़्यादा इनफॉर्मल पे भी ध्यान दिया जा रहा है, और कोऑपरेशन और कंपटीशन जो है साथ साथ चलने की बात हो रही है, यानी कि कोऑपरेट भी करेंगे हम, कंपीट भी करेंगे आपके साथ, ठीक है, यानी कि आपसे बेनिफिट भी उठाएंगे और आपके साथ कंपीट भी करेंगे और कोऑपरेट भी करते रहेंगे। ये कहते हैं हाँ लेकिन ये बात जरूरी है, ये न कोई भी जो है ये चीज़ ना समझे कि हमने अगर अपनी एग्रेसिव पॉलिसी थोड़ी कम कर दी है, एग्रेसिवनेस कम कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये चाहते हैं यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी बढ़ जाए और वो हमारे बैकयार्ड में हुई, यानी कि हमारे इंडियन ओशियन या यहीं पे जो है यूएस और चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है, ये भी इंडिया बिल्कुल नहीं होने देगा। हाँ ये बात जरूरी है कि नेबरहुड पॉलिसी में जो शिफ्ट हुआ है उसको आप बोल सकते हैं नेबरहुड 2.0 या फिर नेबरहुड 1.2.0, ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरह से मूव हमारा, ये करेक्टिव इस तरह के स्टेटमेंट को बोला जा सकता है, राइट। काफी अच्छी जो था इसमें पूरा आपको एक नया सिनेरियो पता चला होगा। इसके अलावा ये है देखिए इंडिया और ईयू का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से रिगार्डिंग है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे क्यों हमारा रिलेशन यूरोपियन यूनियन से अच्छे नहीं थे, क्यों अभी चेंज करने की ज़रूरत है। ये कहते हैं देखिए लास्ट वीक जो है यूरोपियन यूनियन ने जो एक अपना एक यानी कि जारी की एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में जो बोला गया कि इंडिया कैसे जो है 14 साल से जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है इम्प्रूव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और ये स्ट्रेटेजिक जो नया डॉक्यूमेंट निकला है यूरोपियन यूनियन की तरफ यूनियन की तरफ से, तो उसमें क्या बोला गया है कि इंडिया को जो है इंडिया को टॉप एजेंडा की तरह रखा गया, एक तरह की बाहर के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ गई है। स्ट्रेटेजिक अगर बात करें स्ट्रेटेजिक तरीके से, देखिए पहले जो है यूरोपियन यूनियन इंडिया को स्ट्रेटेजिक तरीके से नहीं देख सकता था, सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेड पे ही ध्यान रखता था, लेकिन अब जो है इंडिया को प्रायोरिटी दी जा रही है कि स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, राइट। ये कहते थे कि 2004 में इंडिया और
यूरोपियन यूनियन की एक डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, लेकिन वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसकी सक्सेसफुल सक्सेस आज तक नहीं मिली। लेकिन ये नया डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है, इसमें जो है साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप है वो कितनी ज़रूरी है आज के टाइम में, और उसके एब्सेंस जो अभी तक नहीं थी तो उसका काफ़ी जो है खामियाजा भुगत चुके हैं। ये कह रहे हैं देखिए कुछ फोकस एरिया है जिन पर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसके ऊपर ये बात करते हैं, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन होना चाहिए, और जो इस जो ये पार्टनरशिप है, ये एग्रीमेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए अफगानिस्तान में डायलॉग रखना है तो इंडिया के साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया में भी, उसके बाद टेक्निकल कोऑपरेशन में, यानी कि जिससे कि टेररिज्म से को डील किया जा सके, रेडिकलाइजेशन को अगर कम करना है तो भी इंडिया की सपोर्ट जरूरी है, एक्सट्रीमिज्म और जो टेरर टेरर फाइनेंसिंग है इसको भी कम करना है तो भी इंडिया के साथ डायलॉग की जो है ज़रूरत है। तो इन जो एरिया पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो है एक तरह से सहमति बन सकती है। ये कहते हैं कि ट्रेडिशनली बात करें, पहले जो है हमेशा यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता था कि जो है मिलिट्री या डिफेंस या सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जाए इंडिया के साथ, लेकिन आज उस व्यूज में भी चेंज आ गए हैं और ये चीज़ समझने लगा है यूरोपियन यूनियन कि इंडिया के साथ जो है रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, टाइम आ गया है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो गई है, जो है चाइना ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है यूएस के साथ रिलेशन यूरोपियन यूनियन के वैसे ही ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, अमेरिका है जो ऑलरेडी चाह रहा है कि हम जो आइसोलेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से सोचते हुए यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट हो गया, ब्रेक्सिट के बाद भी लगने लगा है कि टाइम आ गया अब इंडिया के साथ जो है अच्छे से डील करने के, क्योंकि इंडिया देखिए एक बहुत बड़ी पावर धीरे धीरे उभर रहा है, उतनी स्पीड से नहीं कह सकते कि आज बोला और कल पावर बन गया, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो एक तरह से हमारी इंडिया जो है फॉरेन जो रिलेशंस हैं अगर उनको देखें या फिर फॉरेन सिनेरियो देखें, ग्लोबल सिनेरियो, उसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखिए कहते हैं कि इंडिविजुअली तो इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन में आपको बताया 28 जो नेशन, अभी 27 हो जाएंगे अगर जो ब्रेक्सिट हो जाता है पूरा मार्च तक, तो जो है 27-28 नेशन के साथ हम इंडिविजुअली तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंबाइंडली अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं। देखिए एक एक कंट्री से आप डिफेंस कोऑपरेशन और ये सब नहीं करते, इतने आसानी से नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए तो ऑलरेडी आपके सबके साथ जो है एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है। देखिए एक तो मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसका जो है वो जो ग्लोबल जो लिबरल ऑर्डर है उससे जो है कहीं ना कहीं हट रहा है, तो यूरोपियन यूनियन को इस चीज़ का भी जो है वो है वो एक तरह से, यानी कि आपकी जो है देखिए यूरोपियन यूनियन का बहुत अच्छे रिलेशन है यूएस के साथ, अगर यूएस के साथ रिलेशन खराब होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली नहीं, बट ट्रेड वॉर हो गया या फिर ईरान के इश्यूज हो गए, ठीक है, इस तरह के इश्यूज में यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं अगेंस्ट है यूएस के, तो इन चीज़ों को देखते हुए भी जो है यूरोपियन यूनियन को लगने लगा कि इंडिया को जो है अभी इंडिया के साथ एंगेजमेंट करने की भी जरूरत है। चाइना भी राइज कर रहा है, अब चाइना की जो राइज करने की वो है उसमें भी इंडिया को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, अगर उनके राइज को थोड़ा सा यानी कि रोकना है तो, राइट। उसके अलावा देखिए कहते हैं कि देखिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, एंगेजमेंट के डिफरेंसेस थे या डिफिडेंसेस जिसे कहते हैं वेस्ट के साथ, वो कम कर दिए हैं। पहले देखिए हमारी टोन थोड़ी अलग होती थी, हमें लगता था कि वो हमसे डील ही नहीं करना चाहते यूरोपियन यूनियन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आज जो है थोड़ा सा चेंज आया है और जो मोरलिस्टिक टोन है जो ब्रसेल्स की यानी कि यूरोपियन यूनियन की, वो उसमें चेंजेस नज़र आए हैं और ये समझ आने लगा है कि शायद आने वाले टाइम में जल्द ही जो पहले देखे हमारे ये भी जो यूरोपियन यूनियन ने ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंडिया को, जो इंडिया की इंडिया को इंडिया ये अपनी जो पॉलिसीज होती थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज, इनके अंदर भी ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज ये इनको लगने लगा है कि इंडिया को इग्नोर आप नहीं कर सकते आज के टाइम में। ये कह रहे हैं पहले जो हमारे रिलेशन सिर्फ इकोनॉमिक और ट्रेड से होते थे, लेकिन आज जो हमारे रिलेशन है वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और जल्द ही जो है रिलेशन बहुत अलग जो लेवल पे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट होने वाला है, कई रीजन है जिसके जो मैंने बताया आपको कि जो पूरा सिनेरियो है साउथ चाइना सी हो चाहे इंडो पैसिफिक सी हो, वहाँ पे जो इश्यूज हैं उसमें भी जो हमारे और यूरोपियन यूनियन के व्यूज़ हैं वो सेम हैं, तो इसलिए भी हम एंगेजमेंट हमारी बढ़ने वाली है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि देखिए चाइना और ये मैंने बता ही दिया कि उनके बीच में ऑलरेडी जो है इस तरह की ट्रेड वॉर चल रहा है, तो जो वेस्टर्न अलाइज है वो भी कहीं ना कहीं उनका रिलेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है, जब एक रिलेशन आपका डिस्टर्ब होता है तो आप दूसरी साइड देखते हैं, तो उसमें दूसरा जो है नाम यूरोपियन यूनियन को अभी लगता है कि
इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो रीजन है साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन, वहां से बहुत ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन का। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी जो है पार्ट लेने की बात कर रहा है, और जो है इंडिया को भी इन्वाइट किया है यूरोपियन यूनियन ने कि आप जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है जिसमें सोमालिया में जो फूड वगैरह पहुंचाया जा रहा है उसमें भी इंडिया जो है मदद करे। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती जा रही है, राइट। ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया और ईयू जो है अभी नेचुरल पार्टनर जो है, ये बात आप कर रहे हैं कि नेचुरल पार्टनर है, लेकिन ये कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी हो गई, उसमें कॉपरेशन करना, काउंटर टेररिज्म में रीजनल सिक्योरिटी, इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और पूरा जो एक क्लियर स्ट्रेटेजी लेके आनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया नीड रिसोर्स, इंडिया को रिसोर्सेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी हमको? यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन इसलिए हमारे प्रायोरिटी एरिया पे होना चाहिए। और क्या प्रायोरिटी एरिया पे होना चाहिए कि हम कैसे साइबर सिक्योरिटी का जो है अच्छा करें, अर्बनाइजेशन को अच्छे से करें, एनवायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करें, और स्किल डेवलपमेंट कैसा किया जाए। तो ये हमें बहुत जो बेनिफिट कहाँ से मिल सकता है? यूरोपियन यूनियन से। तो मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया कि क्या हम चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं देखिए दोनों कंट्री को जो है बात करना पड़ेगा और जो है फोकस करना पड़ेगा, अभी शिफ्ट लाने की जरूरत है। पहले जो है स्ट्रेटेजी के लिए इंडिया को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन आज जो है यूरोपियन यूनियन मानने लगा, तो इंडिया को भी आगे कदम बढ़ानी चाहिए और यूरोपियन यूनियन को भी जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये कह रहे पास्ट में ऐसा होता था कि एक दो कंट्री दूसरे को कंप्लेंट करती थी, लेकिन वो कंप्लेंट का टाइम अब नहीं रहा है, अननेसेसरी कंप्लेंट का, अब टाइम आ गया दोनों कंट्रीज मिलकर काम करें, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके अलावा देखिए अभी क्या हुआ था, आपको पता है 2006 में, 2006 में एक पटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस जो है उसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस के अंदर काफी कमियां हैं। तो 6-7 रिफॉर्म एरिया बोले थे उन्होंने, और उसमें से जैसे एक केस था कि जो डीजीपी या एसपी जो है, जो डीजीपी एसपी जो अपॉइंट होते हैं तो वो जो है उनकी फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में ये जो अपॉइंट होना चाहिए, मेरिट बेस होनी चाहिए, इनका फिक्स टेन्योर होना चाहिए, यानी कि 2 साल से पहले इनको आप नहीं हटा सकते। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइन दी थी, लेकिन जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ मानी नहीं। इसके बाद क्या हुआ, अभी जुलाई में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक जो है पुलिस रिफॉर्म के ऊपर बोला कि जो डीजीपी वगैरह आप अपॉइंट करते हैं स्टेट के अंदर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे बोलते हैं, तो उससे पहले आपको यूपीएससी से जो है सलाह लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक पैनल देना पड़ेगा कि ये 10 लोग हैं जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं हम, फिर यूपीएससी डिसाइड करेगा, मान लो 3 का नाम बताता है तो उस 3 में से आप एक को अपॉइंट कर सकते हैं, इस तरह का डिसीजन लिया था। तो इसके ऊपर ही जो बिहार और पंजाब गवर्नमेंट है ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गई है, और इन्होंने बोला है कि देखिए आप ऐसे मत कीजिए, हम तो खुद ही अपना नया लॉ लेके आ रहे हैं, नए तरीके जो है, आपने जो पुलिस रिफॉर्म में बोला था 2006 में कि ये रिफॉर्म होने चाहिए पुलिस के अंदर, हम उसके अकॉर्डिंग लॉ लेके आ रहे हैं, तो और आप यूपीएससी को इन्वॉल्व इसमें मत कीजिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि हाँ हम जरूर, अगर आपने ऐसा किया है तो हम भी जो है इसको देखेंगे दोबारा, और शायद आने वाले टाइम में आपसे ये आपके ऊपर जो इम्पोज किया गया है इसको हटा लिया जाए, ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल था, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके अलावा रोहिंग्या से रिगार्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिफर कर दिया हियरिंग, रोहिंग्या से रिगार्डिंग हियरिंग थी उसको डिफर किया है। देखिए अभी आपको तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अकॉर्डिंग देखिए इंडिया के अंदर 40,000 रोहिंग्याज रहते हैं। रोहिंग्याज कहाँ के जो है लोग हैं, ये है म्यांमार के, ठीक है। म्यांमार में कहा रखाइन स्टेट, रखाइन स्टेट क्यों, क्योंकि देखिए वहां पे बुद्धिस्ट और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे और इनके बीच में क्लैश हुए, और क्लैश होने के बाद ये जो है काफी जो है भागे, या काफी बांग्लादेश के अंदर कॉक्स बाजार के अंदर छुप गए, कुछ जो है इंडिया के अंदर भी आ गए, और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, जम्मू में, हैदराबाद में, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में इनकी जो है काफी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो अब ये जो है अभी क्या हुआ था, रिसेंट गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि कुछ लोगों को जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनको म्यांमार को वापस भेज दिया, म्यांमार को जो है डिपोर्ट कर दिया। तो इसके बाद जो है ये लोग डर गए, इनको लगा कि हमें भी जो है डिपोर्ट किया जाएगा, और इंडिया के अंदर ये बहुत डिबेट उठाया गया पॉलिटिकली। देखिए बीजेपी इस चीज़ का बहुत बेनिफिट उठाया है उन्होंने, और उन्होंने ये बोला कि जो है रोहिंग्या उसको हम भेज देंगे भेज देंगे, वो कर कुछ नहीं रहे, बस बोलने का वह है, और लोगों को भी लगने लगा कि बाहर के लोग हैं इनको निकाल देना चाहिए, और ये वो इस तरह के सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया गया। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हियरिंग इसके अंदर चल रही थी, जो हियरिंग ये किसी ने केस डाला है, और उन्होंने बोला कि इनको डिपोर्ट मत कीजिए, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं आप, यानी कि हम कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को हम प्रोटेक्ट करें। हम आज तक जो है हमने फॉरन कन्वेंशन तो कोई साइन नहीं की है, लेकिन हमारी ये कमिटमेंट रही है कि जो भी फॉरन नेशनल होता है हम उसको, अगर वो रिफ्यूजी है तो उसको जो है अच्छे से हम फैसिलिटीज देते हैं इंडिया के अंदर, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, ये भी इंसान है, इनको भी जो है सोच समझ के आप डिपोर्ट कीजिए, और वहाँ पर जब सिचुएशन इंप्रूव हो जाए
तब आप डिपोर्ट कीजिए, अभी मत कीजिए। तो इसके ऊपर ही जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जनवरी में होगी, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और सॉरी फॉर द डिले, ड्यू टू सम कुछ इश्यूज के कारण जो है डिले हो गया आज की जो वीडियो है। चलिए फिर मिलते हैं, अभी एनसीईआरटी की वीडियो आपको मिलेगी, एनसीईआरटी की वीडियो आपको मिलेगी, उसके अलावा एनवायरनमेंट की वीडियो तो चल ही रही है हमारी मंडे टू फ्राइडे। उसके अलावा मैं एक और कोर्स तैयार किया आपके लिए, 50 क्वेश्चंस जो है अक्टूबर मंथ के, 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर से, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार क्यों ये पढ़ाया जा रहा है और यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ जो है आपके यूपीएससी फोकस्ड होंगे, ठीक है, यूपीएससी या प्री पीसीएस आप जो भी एग्जाम देते हैं उसके लिए फोकस्ड होंगे, यानी कि और एग्जामों में ये काम तो आ सकते हैं क्योंकि नॉलेज जो है नॉलेज ही है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव करेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।